नमस्कार भवप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना की ऋषुता क्लैट प्रवेश परीक्षा में 48वां रैंक लाकर बनी बिहार की टॉपर। राज्य में हर एक लाख की आबादी पर खुलेंगे 3 और नए अस्पताल। फिल्म राजगद्दी में दिखेगी बिहारी प्रतिभा। करीब 2 साल बाद मिलने लगी एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन में जनरल टिकट। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना की ऋषुता क्लैट प्रवेश परीक्षा में 48वां रैंक लाकर बनी बिहार की टॉपर। बिहार के 7 सेंटरों पर देश भर के 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए आयोजित क्लैट 2022 का परिणाम शुक्रवार की देर रात जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में पटना निवासी हर्षिता ने पूरे देश में 48वां रैंक लाकर बिहार टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 3400 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें माध्यम से ही देश भर के नेशनल लॉ विश्वविद्यालयों में करीब 2800 सीटों पर नामांकन होना है। बिहार के टॉपर बनी हर्षिता ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को और शिक्षक को दिया है। इन 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी। बिहार में मॉनसून ने मजबूती से पकड़ बना ली है। दक्षिण बिहार में भले ही पर्याप्त बारिश नहीं हुई हो, लेकिन उत्तर बिहार में महीनों से झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि अब दक्षिण बिहार में भी लोगों को मॉनसून का मजा मिलने वाला है। बीते दिन राजधानी पटना सहित अधिकतर जिलों के कुछ क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिला जहां पर झमाझम बारिश हुई, तो कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और मौसम सुहाना देखने को मिला। वहीं आज यानी शनिवार की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूरे प्रदेश में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रभाव बना हुआ है। राजधानी पटना में भी आज सुबह से मौसम सुहाना है। इस मौसम की वजह से लोगों को सूरज की तपिश से काफी राहत मिली है। राज्य में हर 1 लाख की आबादी पर खुलेंगे 3 और नए अस्पताल। बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोशिश में है कि शहर ही नहीं बल्कि हर बिहार के किसी भी क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। अस्पताल खोलने से लेकर कई योजनाओं के तहत चिकित्सीय सहायता प्रदान कर रही है। इस बीच बिहार सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार के लोगों के लिए अपने घर के समीप की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए साल 2022-23 में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। आपको बता दें कि राज्य में 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख की आबादी पर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 12 है। इसे बढ़ाकर 15 तक करने की योजना बनाई गई है। जमीन की खरीद बिक्री में सबसे आगे है बिहार के ये जिले। समय के साथ साथ लोगों के इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बदल रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने पैसों को FD कराने की बजाय अब जमीन खरीदने में लगा रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जमीन के दाम बढ़ते जाते हैं। इस बीच वित्तीय वर्ष 2022-23 जमीन फ्लैट आदि की रजिस्ट्री के मामले में बिहार के छोटे शहर बड़ी छलांग लगा रहे हैं। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही का लक्ष्य 1320 करोड़ रुपए है, मगर निबंधन विभाग ने मध्य जून में ही इससे अधिक 1338 करोड़ का राजस्व हासिल किया है। इसके साथ ही राजस्व लक्ष्य के मामले में बांका, मधुबनी, लखीसराय जैसे जिले सबसे आगे हैं। वहीं सबसे अधिक राशि राजधानी पटना ने 252 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है। इसके बाद मुजफ्फरपुर ने 75 जबकि मोतिहारी ने 68 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। फिल्म राजगद्दी में दिखेगी बिहारी प्रतिभा। बिहार से निकलकर प्रतिभावान बच्चे आगे निकलकर सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहे हैं। वो चाहे पढ़ाई लिखाई हो, खेलकूद हो या फिर अभिनय की दुनिया, सभी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कि बिहार की प्रतिभाओं से वंचित हो। इस बीच पटना के रंगमंच से निकलकर मुंबई होते तेलुगु फिल्म में परचम लहरा रहे बिहार के लाल और आरा निवासी पंकज केशरी जल्द ही हिंदी फिल्म में भी धमाकेदार तरीके से नजर आएंगे। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति और छात्र राजनीति पर आधारित फिल्म राजगद्दी में वो मुख्य अभिनेता की भूमिका में दिखने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। पटना और बनारस में भी इसकी शूटिंग होनी है। वहीं मुख्य अभिनेत्री के किरदार में पिछले साल की मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह निभा रही है। करीब 2 साल बाद मिलने लगी एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन में जनरल टिकट। कोरोना महामारी की वजह से अधिकतर एक्सप्रेस ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों को जनरल टिकट नहीं मिल रहा था। हालांकि अब स्थिति सामान्य से बेहतर होने के साथ ही सभी क्षेत्रों में सुविधाएं भी सामान्य की जा रही है। इसी बीच रेलवे ने सभी एक्सप्रेस ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों को जनरल टिकट मुहैया कराने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि करीब 2 साल बाद फिर से एक्सप्रेस ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों को जनरल टिकट मिलना शुरू हो गया है। हालांकि ट्रेनों का जनरल टिकट छपरा जंक्शन के अनारक्षित टिकट काउंटर से दिया जा रहा है। इस रूट की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन बलिया सियालदह एक्सप्रेस और छपरा से दिल्ली, छपरा से मुंबई, छपरा से चेन्नई चलने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में और सुपरफास्ट ट्रेनों में जनरल टिकट यात्रियों को दी जा रही है।
पूर्व जस्टिस इंदु प्रभा सिंह को पटना हाईकोर्ट में दी जाएगी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस इंदु प्रभा सिंह का 23 जून की देर शाम को निधन हो गया। उन्होंने 77 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह को बिहार की पहली महिला जज होने का गौरव हासिल था। इसके बाद आपको बता दें कि 27 जून 2022 को अब 1:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना हाईकोर्ट के जज रही जस्टिस इंदु प्रभा सिंह को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि दी जाएगी। पटना हाईकोर्ट के फुल कोर्ट यानी कि पूर्ण पीठ द्वारा जस्टिस इंदु प्रभा सिंह के निधन पर शोक और संवेदना प्रकट की जाएगी। मद्य निषेध विभाग के हाथ लगी बड़ी उपलब्धि। बिहार मद्य निषेध विभाग के हाथों एक और बड़ी उपलब्धि लगी है। बिहार मद्य निषेध विभाग ने 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। ये तीनों माफिया दिल्ली से बिहार में शराब की तस्करी करते थे। इन सभी की गिरफ्तारी नई दिल्ली से की गई है। इनके खिलाफ दरभंगा के मानीगाछी थाना में बिहार मद्य निषेध विभाग और उत्पाद अधिनियम के तहत धारा 420 भारतीय दंड विधान एवं 30A बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत केस दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें से 2 पटेल गार्डन ककोरला के रहने वाले हैं, वहीं तीसरा माफिया राजकुमार झा प्राणी ककरोला रोड द्वारिका विहार नजफगढ़ का रहने वाला है। वैज्ञानिक का अहम शोध, इस बैंगन को खाने से नहीं होगी एलर्जी। ना जाने कितने लोग इस वजह से बैंगन नहीं खाते क्योंकि बैंगन एलर्जी का वाहक होता है। ऐसे में ना जाने कितने लोग पसंद होने के बावजूद भी इसे खाने से बचते हैं। लेकिन अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैज्ञानिकों ने आपके लिए एक रास्ता निकाल लिया है। आपको बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने इस बैंगन की एक नई किस्म ईजाद की है जिसका नाम सबौर कृष्णकली रखा गया है। विश्वविद्यालय ने शोध को मंजूरी देकर इसे जारी कर दिया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अपने आप में ये देश में बैंगन की पहली किस्म है। बीटी ब्रिंजल पर सरकार ने रोक लगाई तो अपने वैज्ञानिकों ने कम बीज वाले बैंगन की देसी किस्म का इजाद कर लिया। सबसे खास बात तो यह है कि नुकसान पहुंचाने वाले बीटी के लक्षण इसमें नहीं है। यही नहीं, बीजों की संख्या कम होने के कारण बैंगन से एलर्जी वाले व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसका शोध 7 साल पहले हुआ था लेकिन अभी तक इसका बीज बाजारों में मुहैया नहीं करवाया गया था। हालांकि अब जल्द ही इसका बीज आपको बाजार में भी मिलेगा। जदयू भाजपा के उठापटक में मुकेश सहनी की एंट्री। अग्निपथ स्कीम और साथ ही महाराष्ट्र में राजनीतिक गहमा गहमी के बीच बिहार में चल रही उठापटक के बीच जदयू और भाजपा के नेता आपस में बयानबाजी करने से नहीं चूक रहे हैं। जदयू लगातार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर हमला बोल रही है। वहीं इन दोनों पार्टियों के बीच अब वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की भी एंट्री हो गई है। मुकेश सहनी ने संजय जायसवाल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर की डिग्री लेने से कोई बढ़िया राजनेता नहीं बन जाता। मुकेश सहनी ने याद कराते हुए कहा कि वीआईपी भी विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन में लड़ी थी लेकिन बाद में हमारे ही विधायकों को अपने से मिला लिया गया। आज महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि गैर भाजपा की सरकार भाजपा के लिए किरकिरी बनी रहती है। बिना एनओसी काम शुरू करने का नतीजा भुगत रहा भागलपुर का रिवरफ्रंट। भागलपुर में 162 करोड़ की लागत से बन रहे बरारी रिवर फ्रंट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जहां काम शुरू होने के कुछ समय पहले ही इस पर रोक लगा दी गई। अधिकारियों का कहना है कि जब तक एनओसी नहीं मिल जाएगी तब तक काम बंद रहेगा। मालूम हो कि किसी भी सरकारी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहला काम होता है एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना। जब तक ये आपको नहीं मिलती आप लीगल तरीके से वहां पर काम नहीं शुरू कर सकते। लेकिन बरारी रिवर फ्रंट का काम कुछ महीने पहले शुरू कराया गया लेकिन जहां योजना से जुड़े अधिकारियों ने फिर जल्दबाजी में कुछ विभागों से एनओसी लेना जरूरी नहीं समझा जिसमें वन विभाग भी शामिल है। यह भी बताया गया है कि रिवर फ्रंट में कुछ कार्यों को लेकर वन विभाग ने आपत्ति जाहिर की है और अब फ्रंट के काम को रोक लगा दी गई है। जातीय जनगणना से खुश, जदयू ने निकाली आभार यात्रा। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर सीएम की वाहवाही कर रही है। सरकार की तरफ से किसी योजना से विपक्ष खुश हो या ना हो लेकिन जातिगत जनगणना कराने के फैसले से बेहद ही खुश है। आपको बता दें कि नीतीश मंत्रिमंडल की तरफ से जातीय जनगणना को मंजूरी देने के फैसले का स्वागत करते हुए जदयू ने शनिवार को पूरे बिहार में आभार यात्रा निकाली। जदयू की यह यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश को धन्यवाद देने के लिए थी। इस यात्रा में जदयू के साथ साथ सांता फुले परिषद के सदस्य भी शामिल हुए थे। एनसीईआरटी की सलाह के बावजूद बस्ते से झुके हैं बच्चों के कंधे। लाख कहने के बाद भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खत्म नहीं हो रही है। बिहार में निजी स्कूलों की मनमर्जी की वजह से बच्चों के बस्ते का बोझ कम नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी ने सुझाव दिया था कि कक्षा 1 और 2 में 3 विषय की ही पढ़ाई एक दिन में हो।
तीसरी से पांचवी तक चार विषय की और छठी से दसवीं तक एक दिन में छह विषय से अधिक कक्षाएं ना चले। वहीं एलकेजी और यूकेजी के बच्चे बिना किताब के स्कूल आए, लेकिन इस सुझाव को सूबे के 90 निजी स्कूल नहीं मानते हैं। ज्यादातर स्कूल ऐसा रूटीन बनाते हैं जिससे छात्रों को हर दिन हर विषय की किताबें लानी होती है। इसके अलावा एक या दो नोटबुक लाने का सुझाव भी कोई स्कूल नहीं मानता है। यहाँ तक कि एलकेजी और यूकेजी के बच्चों को भी चार से पांच किताबें लानी पड़ती है। इससे बस्ते का वजन 5 किलो से ज्यादा हो जाता है। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। देश में लगातार कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,940 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 20 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। वहीं कल यानी 24 जून को जारी किए गए अपडेट के अनुसार 17,336 नए मामले सामने आए थे। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,33,78,234 हो गई है। अब तक कुल 5,24,974 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है। मृत्यु दर 1.21% है। एक्टिव मामलों की संख्या की बात करें तो 91,779 पर पहुंच गई है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.21% हो गया है। कल के मुकाबले आज 3,495 संक्रमित मरीज अधिक है। भारतीय टीम के लिए क्रिकेट के इतिहास का सबसे यादगार दिन। क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन बहुत ही खास और यादगार है, क्योंकि आज ही वो तारीख है यानी कि 25 जून और साल 1983 का भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप इसी दिन जीता था। इस मैच के गवाह बहुत है, लेकिन अगर आपको समझना है तो इस पर बनी फिल्म 83 भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह भारत ने महान बल्लेबाज कपिल देव की कप्तानी में भारत को विदेशी सरजमी पर वर्ल्ड कप के साथ वो खोई हुई इज्जत भी वापस दिलाई थी। दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज को 34 रनों से धूल चटाकर भारत ने 1983 वर्ल्ड कप का आगाज जोरदार अंदाज में किया था। 25 जून को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रनों पर ढेर हो गई थी। वेस्टइंडीज की धाकड़ बल्लेबाजी के सामने गेंदबाज पहले ही हार मान चुके थे, मगर कपिल देव ने खिलाड़ियों में जोश जगाकर जीत की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाया और फिर वो हुआ जिसका किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। भारत ने वेस्टइंडीज को फाइनल में 140 रनों पर ढेर कर खिताब अपने नाम किया। 1983 का ये पल आज भी क्रिकेट प्रेमियों के रोंगटे खड़े कर देता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है पिंटू कुमार, महेश दास, मनीष कुमार, सुशील कुमार रंजन, कुलदीप कुमार, कुमार कौशल सिंह, उमेश ऋषिदेव, शत्रुघ्न कुमार, कविता कुमारी, मृत्युंजय कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद क्या रेलवे की व्यवस्था भी पूर्व की तरह संचालित हो रही है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।